आज मैं आपके साथ में सूजी से बने मैंगो केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस केक में मैंने बिल्कुल भी किसी फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे केवल मैंगो से ही बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो केक बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज के आम को छीलकर उसे काट लिया है। इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे। अब इसमें आधा कटोरी शक्कर, एक कटोरी सूजी और आधी कटोरी सूजी। मैंने यहाँ पर एक कटोरी आम के लिए 1.5 कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें आधा कप दूध और 1/4 कप तेल डालेंगे। अब इन सबको पीस लेंगे। पीसने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से पेस्ट बन चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें मैंगो फ्लेवर भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। आप चाहे तो इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं। अब केक बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और तेल को चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद इस पर गेहूं का आटा फैलाएंगे। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते। इसे इस प्रकार से चारों तरफ से फैला लेंगे। आप केक बनाने के लिए केक टिन या कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से गेहूं के आटे को फैला लिया है इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेना है। इससे हमारा केक चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सूजी कितने अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से फेंटते हुए मिलाएंगे। आप देख सकते हैं बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। अब इस बैटर को हम इस बर्तन में डाल देंगे। ऊपर से ये बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ केक बनाने के लिए कुकर लिया है और उसमें एक स्टैंड रख दिया है। इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म कर लिया है। अब उसमें इस बर्तन को रख देंगे और ऊपर से ढक्कन रखेंगे। आप केक बनाने के लिए किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बर्तन ऐसा होना चाहिए कि हम उसे ऊपर से पूरी तरह से कवर कर सके। केक को 40 से 45 मिनट तक धीमी आंच पर ही पकाना है। 40 मिनट बाद हम केक में चाकू डालकर देखेंगे कि केक पका है या नहीं। आप देख सकते हैं चाकू में बैटर नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा केक पक चुका है। अगर आपका बैटर चाकू में चिपक रहा है तो आप केक को और थोड़ी देर पकने दें। अब केक को चाकू की सहायता से साइड से निकाल लेंगे। अब इसे एक प्लेट में आराम से निकाल लेंगे। ये हमारा मैंगो केक बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है और इसका कलर भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नई नई रेसिपी वीडियोज़ देखने के लिए।